आज हमने मटर का छोले बनाया है, देखिए कितना टेस्टी और कितना अच्छा है और कितनी खुशबू आ रही है इससे। आप भी ऐसे बनाइए ज़रूर, हम आपको दिखाएंगे कैसा बनता है ये मटर का छोलिया। बहुत टेस्टी और बहुत पौष्टिक हेल्दी है ये छोलिया मटर का। दोस्तों आज हम मटर का छोलिया बनाएंगे, बिल्कुल नई रेसिपी है ये। ये मटर हमने छील के स्टोक कर रखी है फ्रीजर में, देखिए कितनी अच्छी मटर है। हमने एक कटोरा मटर ले ली है और इन्हें पानी में डाल के इनका वर्क निकाल लेंगे हम। हमने 3 आलू ले लिए हैं, 2 प्याज ले लिए है, 1 अदरक ले लिया है और 4 हरी मिर्च ले ली है हमने। अब इन्हें सबको हम कट करेंगे। हमने अपनी मटर पानी में धो ली है, हम एक जार में कर लेंगे ना, इनका बर्फ निकाल दिया है हमने। हमने मटर कर लिए जार में अपने और उस पर अदरक डाल देंगे अपना। हमने अपने आलू कट कर लिए हैं, जार में मटर कर ली है और हम इन्हें ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब हमने अपनी प्याज को चॉप कर लिया है, देखिए कितनी बारीक हो गई है। मटर को हमने चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक हो गई है हमारी, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। हमारी प्याज भी बारीक हो गई है। अब हमने कुकर रख दिया है, इसमें अपना ऑयल डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है। अब हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे, हमने अपनी मेथी ले ली है जरा सी, इसको क्रश करके इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हो गई है, हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच। हम इसमें अपनी मटर वाला पनीर डाल देंगे, मसाले डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है इसमें। तो हमने इसमें अपने आलू डाल दिए हैं, ये कितना अच्छा कलर आ गया है। और इसमें पानी डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब 1 चम्मच धनिया डालेंगे, देखिए कितने अच्छे से तैयार पक रही है हमारी सब्जी। पानी डाल दिया हमने, अब इसमें 1 सीटी लगा देंगे। अब 2 सीटी लगाएंगे हम सब्जी में। ये हमारे दादी नानी के टाइम से चली आ रही है सब्जी, बहुत टेस्टी सब्जी लगती है ये, हम चावलों के साथ चपाती के साथ खाते हैं। देखिए हमने अपनी गैस बंद कर दी है, हम अपना पोर खोलेंगे। देखिए हमारी सब्जी छोलिया कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छा रंग आया है इसका। हम इसे सर्व कर लेंगे, हम इसे हम अपना गरम मसाला डाल देंगे, इसे टेस्ट हमारा अच्छा हो जाएगा। हम इसे अपना धनिया पत्ती डाल देंगे, जो कितने अच्छे से हमारा मटर का छोलिया बनकर तैयार हुआ है। ये हम कभी भी गर्मी में सर्दी में कभी भी बना के खा सकते हैं। और हम इसे चला के सर्व करेंगे और हम इसे चावल के साथ फुलके के साथ खा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे, कितना अच्छा लग रहा है, रंग भी कितना अच्छा आया है हमारा। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, जरूर बनाइए। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, देखते रहिए आगे भी हमारी वीडियो को।